नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। हम कल वीडियो पूरा नहीं कर पाए थे तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 9, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले ही तैयारी कर लें। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुनें। पढ़ाई करनी है तो पहले ही बुक्स रेडी रखें, शांत जगह चुन लें। ध्यान रखें आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसे ही YouTube के लिए वीडियोस बनाना शुरू करना है तो पहले बेसिक कोर्स कर लें, माइक एंड कैमरा सेटअप कर लें। रूम में लाइटिंग का खास ध्यान रखें, जिससे आपके वीडियोस बहुत अच्छे बनेंगे और कंटेंट अच्छा हुआ तो चैनल जल्दी ग्रो होगा। हम जो माइक कैमरा एंड लाइट यूज करते हैं उन सबकी लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अफोर्डेबल एंड इजी मेंटेनेंस वाले गैजेट्स आपको हेल्प करेंगे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन एंड पॉकेट फ्रेंडली वीडियोस बनाने में। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 10th, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। ऑथर कहते हैं कि एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे, जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है। वर्कर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ में करें। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो लगातार काम ना करें, पहले वीडियो बना लें जिसमें आपको एक घंटा तक लग सकता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर एडिटिंग पे ध्यान दें। लगातार कई घंटे काम करने से आप बोर हो जाएंगे और हो सकता है थक भी जाएं, पर इस तरह काम को डिवाइड करके मैनेज किया जा सकता है। 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखे। अगर आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली एडिटिंग करनी जरूरी है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक लेके जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसे ही किसी भी काम को पूरा किया जा सकता है। 12th, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। अपने टैलेंट का फायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचानें और फायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस की टीम से खेल सकते हैं या ऑफिस में अपने कलीग्स को भी टिप दे सकते हैं। इससे आपकी और सामने वाले की नॉलेज इम्प्रूव होगी। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में अच्छे हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। वीडियो कंटेंट बना सकते हैं तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक ऐसी ऐप के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, क्रेड ऐप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ऐप है। आप इस ऐप को यूज करके अपने बिल्स पे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ऐप को यूज करके हम मल्टीपल पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज, रेंट पेमेंट, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशनल फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट कर सकते हैं एंड बिलीव मी, इसके बदले हमें अच्छा कैशबैक भी मिलता है। मैंने इससे कुछ ही दिनों में 315 रुपये कमा लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने हर रिचार्ज पे पैसे कमाए हैं। इसके अलावा इसमें प्रेडिक्ट एंड विन रिवॉर्ड सेक्शन है, जहां आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हैं और रोज आप इसमें खेल के भी रिवॉर्ड जीत सकते हैं। और सबसे धमाकेदार न्यूज ये है कि अगर आप अभी इस ऐप को हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं और एक छोटा सा रिचार्ज भी करते हैं तो आपको 250 रुपये तक मिल सकते हैं और अपने घर वालों और दोस्तों को रेफर करके 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। ये ऑफर अभी कुछ यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने नॉर्मल बिल पे करें, आपको अच्छा कैशबैक मिलेगा। 13, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ आ रही है। एक्सरसाइज न कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी आपको हेल्प कर सकता है।
फिल्म ऑडिशंस में सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और मेहनत कीजिए, कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। हमारे चैनल पर समरी सुन के भी आप मोटिवेट हो सकते हैं और बुक्स पढ़ना सबसे कारगर है। हमने कई वर्ल्ड फेमस बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। 14th, put the pressure on yourself, खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते, क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दे, बता दे कि काम बहुत जरूरी है, बीच में भी रिमाइंडर देते रहे और मोटिवेट भी करते रहे। 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स, अपनी खूबियों का पूरा उपयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी, अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर SEO आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, या YouTube पे वीडियोस पब्लिश करने में यूज करें। पढ़ाई में कमजोर है तो ट्यूशन या कोचिंग लें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या फिर एक्सरसाइज कर लें। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। इसी तरह अपनी पर्सनल पावर्स का यूज करें और अपनी पर्सनल पावर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ करें। 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन, एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। बहुत से यूट्यूबर्स 3 महीने में ही कंटेंट बनाना छोड़ देते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन जिसने भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक काम किया है उनके रिजल्ट बहुत अमेजिंग रहे हैं। उन्होंने अपना एक इनकम सोर्स बना लिया होता है और जॉब भी छोड़ चुके होते हैं। इससे उन्होंने टाइम एंड मनी का फ्रीडम हासिल किया है। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने से रिजल्ट फ्रूटफुल मिलते हैं। काम भी जरूरी है पर बीच में रेस्ट भी ले लें। धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़े, पीछे की ओर नहीं। 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स, टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का ब्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है, लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं, और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं। बच्चे और कुछ बड़े लोगों में एक और लत पड़ गई है इंडोर गेम्स की, वो सब PUBG और फ्री फायर्स का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिटेड कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियोस देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें, अपना शेड्यूल डेली बनाएं। 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम शेड्यूल कर लें। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो हमें यूट्यूब वीडियोस बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो हमने टाइम कैसे शेड्यूल किया हुआ है? पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर वॉइस ओवर करते हैं, फिर वॉइस एडिट करते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं एंड लास्ट में अपलोड एंड SEO करते हैं। तो इसी शेड्यूल से हम डेली वीडियोस बना पाते हैं। अगर हम पहले ही SEO के बारे में सोचेंगे या फिर वीडियो एडिटिंग के बारे में सोचेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ऑडियो होना जरूरी है और ऑडियो से पहले स्क्रिप्ट। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। फ्यूचर में हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग एंड यूट्यूब से रिलेटेड कोर्सेज लेके आने वाले हैं, जिससे सीख के आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। 19,
क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें, टाइम को भी डिवाइड कर लें, हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, 9 से 5 उसे दीजिए, फिर शाम का टाइम वीडियोस बनाने में इन्वेस्ट करें। शुरू में टाइम लग सकता है, पर अच्छा कंटेंट बनाएं। कुछ दिनों में आपका यूट्यूब चैनल चल जाएगा और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इन सब में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी जरूरी है, पर एक बार आपने ये कर लिया और 100 से 200 वीडियोस बना दिए, तो इस चीज की गारंटी है कि आपको कभी भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचे कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की, जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी करने लगते हैं, और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप एक महीने से टाल रहे थे वो आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचे कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम के लिए ज्यादा टाइम अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोले इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोले इस काम के लिए सिर्फ एक दिन है। लेकिन यह सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ एक दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे काम हो तो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो क्वालिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए, इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर YouTube वीडियोस बनाने जा रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। ये ना हो कि बीच में कोई नॉवल लिखने बैठ जाए, कुछ पेज लिखकर फिर पोयम लिखने लग जाए। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना तो वीडियो पूरा हो पाएगा, ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा। ऐसे काम कम से कम 6 महीने जरूर करें, तभी रिजल्ट दिखेगा। पर इसमें हड़बड़ी ना करें, नहीं तो टाइम भी लगेगा और क्वालिटी भी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और बुक को जरूर पढ़ें। Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।